और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि राहत इंदौरी का निधन हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, तो शोक का माहौल है इस वक्त, राहत इंदौरी का निधन हो गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे दें, राहत इंदौरी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, कोरोना के कारण हुआ है राहत इंदौरी का निधन। आपको बता दें कि लंबे वक्त से वो अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन कोरोना पॉजिटिव हुए और उसके बाद उनका निधन हो गया। उनके परिजनों में शोक की लहर है, हर कोई आहत है इस खबर को सुनकर। कोरोना के कारण हुआ है राहत इंदौरी का निधन, तो अस्पताल में वो भर्ती थे, कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। तो उनके प्रशंसकों में दुख का माहौल फिलहाल देखा जा रहा है। एक बड़ा झटके के तौर पर इस खबर को देखा जा रहा है, राहत इंदौरी का निधन हो गया है, वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। कोरोना से जंग वो लड़ रहे थे, अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन सांसों ने साथ छोड़ दिया और अब वो हमारे बीच नहीं है। कोरोना के चलते हुआ है निधन, इस वक्त की बड़ी खबर। मशहूर शायर राहत इंदौरी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। उन्होंने अपनी शायरी के जरिए हमेशा से ही एक मैसेज देने की कोशिश की थी और इसी वजह से उनके फॉलोअर्स, उनके प्रशंसक बहुत ज्यादा थे। लेकिन उनके लिए एक बड़ा झटका कह सकते हैं इस खबर से कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। तो मशहूर शायर राहत इंदौरी का निधन हो गया है। हर आम से लेकर खास तक कोरोना से इस वक्त जूझ रहा है, क्योंकि जो मामले हैं लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ राजनेता भी इसकी चपेट में आ रहे हैं, तो जो खास शख्सियत हैं वो भी इसका शिकार हो रही हैं। और इसी वजह से राहत इंदौरी, जिनको कोरोना हुआ था, उसके बाद वो अस्पताल में एडमिट थे, उनका इलाज चल रहा था, शाम 4 बजे हार्ट अटैक के कारण उनका निधन हुआ। मशहूर शायर राहत इंदौरी अब हमारे बीच नहीं है। कोरोना से वो पीड़ित थे, अस्पताल में एडमिट थे, लेकिन सांसों ने साथ छोड़ दिया, शाम 4 बजे उनको हार्ट अटैक आया और उसके बाद जिंदगी की जंग वो हार गए।